नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ऑनलाइन जाकर घर बैठे वो भी कैसे लिंक कर सकते हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो दोस्तों, अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं था कि आप घर बैठे आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक कर सके, मगर हाँ, आज के इस वीडियो के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा कर दिखाया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। क्योंकि दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली डूर स्टेप सर्विसेज स्टार्ट कर दिया है। इसकी मदद से आप घर बैठे आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर आसानी से लिंक करा सकते हो। साथ ही दोस्तों, अपने 5 साल तक के बच्चों का भी आधार कार्ड घर बैठे बनवा सकते हो। उसके लिए दोस्तों, हमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एक छोटा सा फॉर्म फिल करना होता है, वो भी ऑनलाइन जाकर। दोस्तों, जैसे हम फॉर्म फिल करके सबमिट करते हैं तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा एक एग्जीक्यूटिव को आपके दिए गए एड्रेस पर भेज दिया जाता है, जो कि आपके आधार कार्ड से संबंधित सारी फॉर्मेलिटीज, जैसे कि आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करना या बच्चे का न्यू इनरोलमेंट करना, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको न्यू इनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करके चला जाता है। उसके कुछ ही दिनों के अंतराल पर जो आधार कार्ड अपडेट या न्यू इनरोलमेंट का जो टाइम होता है, उतने टाइम हमें वेट करना होता है। उसके बाद हमारा जो आधार कार्ड का अपडेट या न्यू इनरोलमेंट है, वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, आसानी से हम ऑनलाइन जाकर हमारा अपडेट किया हुआ आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं कि हम इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की साइट पर जाकर हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों, हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर दोस्तों हम टाइप कर लेते हैं इंडिया पोस्ट सर्विस रिक्वेस्ट। ठीक है, जैसे ही हम ये लिखकर हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंडिया पोस्ट सर्विस रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ऊपर जो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है इंडिया पोस्ट सर्विस रिक्वेस्ट, इसी ऑप्शन पर हम क्लिक करके आगे की तरफ प्रोसीड कर लेते हैं। दोस्तों, आगे की तरफ हम जैसे ही प्रोसीड करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से सर्विस रिक्वेस्ट का जो फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाता है। अभी यहाँ पर देखिए हमें कुछ डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जा रहा है। उसके पहले दोस्तों, आप जो ये ऊपर लिंक दिख रहा है वो आप अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी बैठे रहते हैं आपका पर्सनल डिटेल लेने के लिए। तो आप अच्छे से देख लीजिए CCCEPT.gov.in ये वेबसाइट है दोस्तों, इसी के थ्रू हमें सर्विस रिक्वेस्ट जो हमें सबमिट करना होता है। ठीक है, तो चलते दोस्तों आगे की तरफ और हमारा जो पर्सनल डिटेल है वो प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे आधार कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है वो नाम प्रॉपर यहाँ पर फिल कर लेंगे, और जिस भी पते पर अभी हम फ़िलहाल रहते हैं, जहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो एग्जीक्यूटिव आपको मिलने के लिए आता है, वो एड्रेस यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं पिन कोड के साथ। दोस्तों, नीचे देखिए पिन कोड डालने का भी ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी हमारे आधार कार्ड से लिंक करना है, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी नीचे की तरफ फिल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो यहाँ पर एड्रेस फिल कर रहे हैं, इसमें ज़रा भी कन्फ्यूजन मत रखना, क्योंकि ये जस्ट एक कॉन्टेक्ट फॉर्म की तरह है, ये आपके आधार कार्ड पे ये एड्रेस अपडेट नहीं होगा। ठीक है, आप चाहोगे तो ही अपडेट होगा। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा कि ये एड्रेस हम मेंशन कर रहे हैं कहीं हमारे आधार कार्ड पे वो एड्रेस ना अपडेट हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये एड्रेस इसके लिए मेंशन किया जा रहा है ताकि जो एग्जीक्यूटिव आएगा आपसे मिलने, वो प्रॉपर एड्रेस पर आपसे मिलने के लिए आ सके। तो चलते हैं नीचे की तरफ दोस्तों, और नीचे देखिए यहाँ पर सेलेक्ट सर्विस का ऑप्शन दिख रहा है, और जैसे हम सेलेक्ट सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो भी डूर स्टेप सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, वो सारी सर्विसेज आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगी कुछ इस तरीके से। जैसे कि दोस्तों, हमें आधार सर्विस चाहिए तो हम यहाँ पर आधार सर्विस का ही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए IPPB आधार सर्विस, तो हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब आधार सर्विस में हमें क्या करना है, क्या अपडेट कराना है, वो नीचे देखिए हमें वो सेलेक्ट करना होता है। तो चलते हैं हम आधार सर्विस में क्या कराना है। आप इसमें दोस्तों 0 से लेकर 5 साल तक के अपने बच्चों का आधार कार्ड भी इनरोलमेंट करा सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो है, आप अपने आधार कार्ड में अपडेट भी करा सकते हो, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, ये चीज़ें आप अपडेट करा सकते हो। तो जैसा कि दोस्तों, हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट कराना है हमारे आधार कार्ड पे,
तो हम नीचे जो सेकंड नंबर पे ऑप्शन दिख रहा है उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों जैसे हम रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा जो यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रोवाइड किया गया है उस नंबर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा एक ओटीपी भेज दिया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, ओटीपी भी यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं और नीचे देखें कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। ओटीपी जैसे ही फिल करेंगे और कंफर्म सर्विस रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, नीचे देखें रिक्वेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट रेफरेंस नंबर भी नीचे लिख कर आ गया दोस्तों। तो इस काम चाहिए तो फ़ोटो भी निकाल कर मोबाइल में रख सकते हैं। दोस्तों हमने अभी जो रिक्वेस्ट सबमिट किया है उसको ट्रैक करने के लिए ऊपर देखिए क्लिक टू ट्रैक योर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है। उस ऑप्शन पर देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे दोस्तों, हमें जो रेफरेंस नंबर मिला है चाहिए तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों आप मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। दोस्तों मोबाइल नंबर या रेफरेंस नंबर डाल करके जैसे ही आप पेज बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो रिक्वेस्ट का जो स्टेटस है वो ओपन होकर आ जाता है दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर शो कर रहा है संडोजबाग पोस्ट ऑफिस में हमने रिक्वेस्ट सबमिट किया है जो अभी फ़िलहाल के लिए पेंडिंग शो कर रहा है, ठीक है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने अभी जो रिक्वेस्ट सबमिट किया उसको आप ट्रैक भी कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए दोस्तों सिर्फ यही एक तरीका था जिससे आप अपने आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं वो भी घर बैठे। बाकी तो दोस्तों ऐसा कोई तरीका अभी नया नहीं आया है जिससे आप घर बैठे अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करा सके, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।